भारतीय सवर्ण महासभा के जिलाध्यक्ष बबलू जादौन ने किया गणपति बप्पा प्रतिमा का विसर्जन। प्रशासन द्वारा बनाए गए गांव दौलतपुर के तालाब पर पहुंचे सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित। फिरोजाबाद भारतीय सवर्ण महासभा के जिलाध्यक्ष बबलू प्रताप सिंह जादौन ने गांव दौलतपुर में प्रशासन द्वारा बनाए गए तालाब में अपने घर पर स्थापित गणपति बप्पा की मूर्ति को विधि विधान से विसर्जित किया। तालाब के पास गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान बबलू प्रताप सिंह जादौन ने बताया, कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से इतने सारे ग्रामीण एकत्रित हैं, कहीं कोई डूब ना जाए इसलिए सतर्कता से मौजूद हैं। साथ ही बताया, आज विधि विधान से गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जित किया है। इस दौरान सभी भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। ग्राम दौलतपुर में दो तालाब प्रशासन द्वारा खुदवाए गए हैं और यहाँ के ग्रामवासी भी इस तालाबों में यहाँ जो विसर्जन करने आते हैं उनकी देखरेख के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और बाकी की पूरी सुरक्षा से यहाँ सभी लोग हैं और दो तीन साल से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। लगभग कितने लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको? यहाँ अभी कम से कम 150 से 200 आदमी हैं गाँव के, जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हुए हैं। हर वक्त जैसे कोई डूबता है या किसी को परेशानी है तो हर सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना महामारी के चलते आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी के देखते हुए सभी लोग डिस्पेंस बनाए हुए हैं सभी आदमी, और उसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। ठीक है। भगवान गणेश जी का हम सब विसर्जन कर रहे हैं और ऐसी कामना करते हैं कि भगवान गणेश जी हम सभी भक्तों के संकट जल्दी से दूर करें, और जिस लड़ाई को हम मिलकर आज लड़ रहे हैं, जैसे कि एक दैत्य आया है विश्व से और सारा विश्व इस दैत्य से परेशान है, उस दैत्य का नाम है कोरोना। और भगवान गणपति बप्पा से हम ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे दैत्य को शीघ्र ही शीघ्र इसको मारें और इसको यहाँ से ले जाएं। हम भगवान गणेश के चरणों में ये वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणपति बप्पा की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार से एक जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, बोले गणेश भगवान की जय, बोल गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।